नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके जीवन का सबसे बड़ा कांटा है यह एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी में अपनी काली नज़र बिछाए बैठा हुआ है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि वह हमेशा आपको बर्बाद करने की माला जप रहा है और आपकी बर्बादी के पीछे का कारण भी केवल यही इंसान है और उसी के साथ में आपके दुखों का कारण भी यही इंसान है। दोस्तों, अगर आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, जीवन में सुखी नहीं हैं, तो दोस्तों इसकी वजह भी केवल और केवल यही एक इंसान है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे कई सारे लोग होते हैं, कुछ अपने होते हैं तो कुछ पराए भी होते हैं, कुछ हमारे मित्र होते हैं जो हमें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। और दोस्तों, हमारे आस पड़ोस में भी कुछ हो सकते हैं, परंतु दोस्तों हम पता कैसे लगाएं इस बात का कि आखिर यही इंसान है जो आपके पीड़ों का सबसे बड़ा कांटा और दोस्तों आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को उस व्यक्ति के बारे में और उस व्यक्ति के लक्षण बताएंगे, उसकी पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप अपने जीवन को दोस्तों बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में वह इंसान आपको एक खरोच भी ना पहुंचा सके, तो ये वीडियो केवल और केवल सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है, आपकी सलामती के लिए बनाई गई है और आपके बेहतर भविष्य के लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और इसको देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम उस व्यक्ति के बारे में आपको पूरी विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। और आप भी वीडियो के अंत तक हमें बोलेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कि यह इंसान तो मेरे जीवन में भी है और अच्छा हुआ कि आपने इस इंसान के बारे में मुझे पहले ही बता दिया, वरना हम कहीं के नहीं रहते। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सभी बजरंग बली के सच्चे भक्त जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली 3 बार ज़रूर लिखिएगा। पवन पुत्र हनुमान जी आपके सभी कष्ट, सभी पीड़ा हर लेंगे और आपको इस व्यक्ति से दूर भी रखेंगे। दोस्तों, हमारे गुरु जी ने क्या खूब कहा है कि अपने मतलब के लिए लोग अक्सर बदल ही जाते हैं, वे अपनों को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। कोई मरता भी हो तो उनकी बला से वो तो मरे पर कदम रखकर आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कुछ अपने भी ऐसे ही होते हैं जो अपने मतलब के लिए हमें दोस्तों अक्सर बदल जाते हैं और अपनों को भी पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर उनके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो दोस्तों वे हमें छोड़ करके आगे निकल जाते हैं, हमारे बारे में सोचते तक नहीं हैं। चाहे वह दोस्तों भाई भी हो, कोई भी हो सकता है, आपके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, दोस्तों आपके अंकल आंटी भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। अगर आप मर रहे होंगे तो दोस्तों वह आपके मरे हुए पर कदम रख के भी आगे बढ़ जाएंगे। कई ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों, ऐसे लोग क्या होते हैं, मतलबी। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि मतलबी लोगों को पहचानना बेहद ही ज़रूरी होता है। अगर आपने मतलबी लोगों को नहीं पहचाना दोस्तों, आप एक ना एक दिन बहुत बड़ी ठोकर ज़रूर खाओगे और वह जो ठोकर होगी वो छोटी मोटी ठोकर नहीं होगी, कई सालों तक उस ठोकर का दर्द आपको सहना पड़ेगा। कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है केवल और केवल धोखे के कारण, तो आपको धोखा ना हो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि मतलबी लोगों की पहचान कैसे करें। दोस्तों, हमारे परिवार में भी हो सकते हैं, हमारे मित्र भी अपने ही होते हैं, परंतु अपनों के रूम में कई लोग मतलबी भी होते हैं जो अपने मतलब के लिए हमें मरता हुआ छोड़ सकते हैं। दोस्तों, हमें मरता देखकर भाग भी सकते हैं, वह अपने मतलब के लिए हमें भी दोस्तों मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यह तो सत्य है कि हर कोई अपना नहीं हो सकता।
दोस्तों ये बहुत बड़ा सत्य है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। आपके परिवार में भी अगर 10 जने हैं तो वे 10 के 10 आपके सच्चे मन से अपने हैं ये नहीं कहा जा सकता। सच्चे वही हैं जो माता पिता हमेशा सच्चे होते हैं, वह अपनी औलाद के लिए कभी भी दोस्तों कुछ गलत नहीं करते हैं। ये बात तो आप भी जानते होंगे, परंतु बहुत से ऐसे होते हैं जैसे चाचा चाची नाना नानी, वह दोस्तों आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते क्योंकि वह भी चाहते हैं कि उनका बेटा या फिर वह आपसे आगे बढ़े, आप उनसे आगे बढ़े, वह तो ये नहीं चाहेंगे। और अगर उनके मन में बहुत पाप है तो दोस्तों वह आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से बचने की सलाह आपको दी जाती है। अब दोस्तों पहचान करने के केवल सीधे से दो रूल हैं, इनको ध्यान से सुन लीजिए और हमेशा अपने मन में रखिए। दोस्तों इनको पहचानने के लिए हमेशा याद रखिए कि मतलबी लोग हमेशा पहले अपना मतलब निकालना चाहेंगे, तो आप दोस्तों अच्छा कुछ भी कर सकते हैं जिससे उनसे आप निकलवा सकते हैं कि ये मतलबी हैं। दोस्तों वे जब भी केवल अपनी बात करें या फिर केवल अपने संतानों की बात करें तो समझ जाइए कि वे इंसान मतलबी है। दोस्तों इसीलिए ऐसे इंसानों से दूर रहिएगा। मतलबी इंसान की पहचान कोई मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हैं। अगली बात करें इस दोहरे ज़माने में, गुरुजी कहते हैं दोस्तों इस दोहरे ज़माने में मौज और मतलब को दे दिया प्यार का नाम, दफन होकर रह गई किताबों में सच्चे प्यार की दास्तान। यानी कि दोस्तों आज के इस दौर में प्यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, अंधा प्यार कह सकते हैं, परंतु उस प्यार को दोस्तों मतलब का रूप दिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों आजकल यही होता है कि मौज और मतलब के लिए ही केवल और केवल प्यार हो रहा है। कोई आपके दौलत के लिए आपसे प्यार करेगा तो कोई आपके जिस्म के लिए। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सच्चा प्यार दोस्तों हर किसी को नहीं मिलता, उसकी पहचान करना आपको आना चाहिए। इसीलिए जीवन साथी उसको चुने जो बिना मतलब के आपका साथ दे, उसको आपकी धन दौलत से मतलब ना हो, उसके आपके जिस्म से मतलब ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, वरना केवल और केवल आप एक यूज़ करने का सामान ही रहोगे। ध्यान रखिएगा इसका हमेशा के लिए। अगली बात है दोस्तों, इस चीज़ को अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो कभी भी दोस्तों आपको किसी चीज़ के लिए रोना नहीं पड़ेगा। दोस्तों कभी भी किसी को भी, चाहे कोई इंसान हो या कोई भी हो, किसी का भी अपने को आदि नहीं बनना है। दोस्तों जीवन में आप जिससे प्यार करते हैं उसका भी आदि ना बने, ना ही मित्र का आदि बनना है, ना ही किसी चीज़ का आदि बनना है। क्योंकि जब आप किसी की लत लगा लेते हैं, चाहे इंसान की लत हो चाहे किसी वस्तु की लत हो, दोस्तों वह आपको बर्बाद करके ही छोड़ती है। इसलिए खुद को इतना कठोर बना ले कि चाहे आपके जीवन में कोई रहे या ना रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़े। शुरुआत से ही यह दोस्तों अपने दिमाग में रखना है, खुद को कठोर बनाना है, क्योंकि आज इस ज़माने में कौन आपके साथ कितने समय तक रहेगा यह दोस्तों कह नहीं सकते। क्योंकि जब मतलब निकल गया तब इंसान चलता बनेगा, और आपको दोस्तों वे माफ़ करिएगा बर्बाद होने के लिए आपको छोड़ देगा, और वह अपने मतलब निकाल कर चलता बनेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमेशा किसी की भी आदत ना लगाएं, कोई भी इंसान आपको कभी भी छोड़कर जा सकता है, इसीलिए किसी की भी आदत नहीं लगानी है। अगर आप दोस्तों इस बात को समझ लेते हैं तो आप बहुत ही मजबूत इंसान बन जाते हैं, और जीवन में तरक्की करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों सब के बाद एक इंसान के जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है। आपके जीवन में भी सुख आएगा, और अगर आपके जीवन में भी दुख है तो सुख आएगा, और अगर आपके जीवन में सुख है तो भगवान ना करे, परंतु दुख आता ही आता है, यह दोस्तों निश्चित है। क्योंकि इंसान के जीवन में सुख और दुख हमेशा आता ही है, दोनों चीज़ों को दोस्तों सहन करना पड़ता है। चाहे समय कभी बड़ा अंतराल ले लेता है, परंतु कभी कभी छोटा अंतराल ले लेता है अपने कर्मों के अनुसार। अगर आपके जीवन में दोस्तों बुरा वक्त है तो उस बुरे वक्त में जो भी आपके साथ खड़े हैं, जितने भी लोग आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हैं, चाहे वह एक इंसान हो दो इंसान हो, ज़्यादा तो नहीं खड़े होंगे, जो भी खड़े हों वही वाकई में आपके असली अपने होते हैं। तो दोस्तों आप उस समय पहचान सकते हैं कि आपके अपने कौन हैं, और आपके अपने के रूप में दोस्त छुपे हुए पराए इंसान कौन है। इसलिए आप इन बातों से ध्यान रख लीजिएगा कि आखिर क्या करना है जीवन में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।